අදිය පුදුරු සාපජිතී දොහු මිෂන අයුන බාර ඉඳා දවසෙන් කිතු ගුසාජි කරස් පාන ප්‍රෙස්ල දාදු ජි සද සාබි භන් සයින් ජි කම්බත් මේ දරි තුපු පිෂ්කන් ගරුදා මොහොමද උමර් මොහොමද ඇයි කාලේජ් දේ 25 සාල් පුරේ තන ජීන් තකරි මේ ශිරකත් කරි ඇයි ආවුන කයිලාවා සයින් බොකාර චේ චජා ලෙකින් कटाई जी लफ्ज़न सा शुरुआत कर अला अचन ओए जिन आए मन सर होती है आउ तमाम शुक्रिया अदा कर दस जनाब पीर मुजीब अहमद साहब जो जिन असान जे इन कॉलेज जे अंदर इन 25 साल के तवील सफर जो को पीर मदरलक साहब जी लॉ मिनिस्ट्री का स्टार्ट थियो ए हियर तई को पज कामयाबी साली रहयो है इन 25 साल जे सफर जे दौरान ता कई ग्रेजुएट्स जगे हियर जुडिशियल जे अंदर जुडिशरी के अंदर पंजो तारीख किरदार अदा कर रहे हैं इन का पो पंजी वकालत कर रहे हैं ही जिक्र रहते जे अगर सब के लाइव पर साहब जो ढकना सी है तो शायद तकरीब अधूरी रह जी विंदी कुछ रहयो तो ना मन तो समझाते इन डॉक्यूमेंट्री हलन का पो ऐसा नसीब मिर्ज़ा जे इंट्रोडक्शन का पो साईं पीर इलाइवस के बारे में कुछ रहयो हो जे लेकिन पो भी तारीख जे अंदर या अगली तारीख सा अगली ज्यादती दीदी असां पीर इलाही बख्श साहब जो पाकिस्तान जी आज़ादी में किरदार जो जिक्र न कयूं या सिंध जी तालीम खास करे साईं जेका शायद जिक्र न कयूं त एडल्ट एजुकेशन ते साईं जन जो जेको कमु हुयो इंतिहाई शानदार कमु रहियो उन खां पोइ साईं 1928 में बाज़ाबता पंहिंजी डिग्री पूरो करण खां पोइ लाकाणे में पंहिंजी वकालत जो केरियर स्टार्ट कयो उहे कैरियर जो अगते हली पाकिस्तान समेत सिंध के अंदर वो साईं जो नालो रोशन थी वो जो अज ढी अमर किरदार में गिणो वो है उन 25 साल के इन तवील सफर में असा वट मोटिवेशनल ही रहा है जिनमें पीर मदर अलग साहब है पीर मुजीब अलग साहब है उनका अलावा कई एतरा सीनियर वकील सियासतदान जी इन दादु लॉ कॉलेज में डिग्री वठण का पी सियासी फील्ड कानून की फील्ड के अंदर दादू जो सिंध समेत पाकिस्तान जो नालो रोशन किया है उनका अलावा हम यो चवण चाहिंदुस त ही पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज जेको शायद पहिरियां ते हिकिड़ी नंढी बिल्डिंग हुई बाद में पीर मज़हर अलग साहब जी मेहनत जे नतीजे सां ही शानदार बिल्डिंग जेका शायद पाकिस्तान जे कंहिं माने थो सम्झा त शहर में अहिड़ी बिल्डिंग हूंदी जिते हर किस्म जी सहूलत है मतलब जेको लॉ कॉलेज के अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी का वेंदे मैनुअल लाइब्रेरी का वेंदे एलएलएम के क्लासेस का वेंदे अड़ा शानदार ऑडिटोरियम है इन पोया नहायती जो मेन किरदार कलीदी किरदार रो है वो हों है इंतजामिया जो इतना की इंतजामिया भी नहायती शानदार कोऑपरेटिव इंतजामिया होंगी है जो शागिद से हर वक्त दुखे वक्त में गड होती है पीर मज़हर अलग पीर मुजीब अलग साहब के मेहनत से इतने निजी स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप समेत केतर फाइनेंशियल एड्स दई कर उनकी तैली मुकम्मल कराई है तो उनकी तारीफ न तो क्या को दोस्त समझे तो उनके कॉलेज के अंदर वे उनकी तारीफ थी रही है लेकिन ये उनको किरदार है जी अज वाखाण हली रही है पीर इलाही बख्श की सुनत हलंदे जना पीर मज़हर अलग साहब सिंध के अंदर एक तैलीमी जार विछाया दादू समेत सिंध के अंदर जो तैलीमी जार विछाया है वो शायद कंका लिखल ना है दादू के अंदर कैंपस हुए आई टी कॉलेज हुए इलाही बख्श लॉ कॉलेज हुए ककड़ कैडेट कॉलेज हुए उन सिर्फ बनाने या ठाण ही मुकम माना मतलब ना हों कम उनके निगरानी कर बाबा नमूने से हलन भी साई वाले जो किरदार रो है साई पीर मुजीब साहब जैसे भी दादू इंदा तो पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज समेत दादू सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस भी विजिट क्या सिर्फ इन नियत से उतार शागिद सेटिस्फाई है उतार के इंतजाम में कोऑपरेट करे थी या के उनके लागापल मसला तो ना उन्हीं का पो दादू जी अंदर जगह ऐसा पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज जो जिक्र कयूं हाणो के प्रिंसिपल साहब जो साई शफी मोहम्मद मेमून साहब जो जिनकी निगरानी के अंदर एक शानदार तकरीब कोठाई वही वह तमाम एक बेहतरीन शायद ही का तकरीब इनका अवल का इन कॉलेज के अंदर कोठाई वही हो नहायत ही तवजो शुक्रगुजार आया उनका तो जाए वाड़ा गबरू सिंध जहा तू ही मुझो ख्वाब तू आई सजन जो सवाल तू आई असो जवाब थैंक यू महरबानी।